आखिर पानी की बोतल्स के ऊपर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है और क्यों इस पेंटिंग की कीमत 400 करोड़ से भी ज्यादा है और क्यों ये होटल एक देश से दूसरे देश अपने आप ही पहुंच जाता है। ऐसे ही रैंडम एवं इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा फ्लोटिंग होटल मौजूद है जो कि हमेशा पानी पर तैरता रहता है। यहां तक कि यह होटल कई बार तैरते हुए ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ कोरिया तक पहुंच जाता है और वापस भी जाता है। साथ ही इस होटल में एक प्लेग्राउंड भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 15, फेमस फुटबॉल प्लेयर मेसी को एक बार पता चला कि उनका एक फैन अफगानिस्तान में उनके जैसी प्लास्टिक बैग से बनी जर्सी को पहनता है तो उन्होंने उसे अपनी असली जर्सी को साइन करके भिजवा दिया था। फैक्ट नंबर 14, एक रिसर्च में यह बात पता चली है कि 92% आईफोन यूजर आईने के सामने अपनी सेल्फी लेते हैं क्योंकि वे दूसरों को यह दिखाना चाहते हैं कि उनके पास आईफोन है और ये फैक्ट 99% सही भी है। फैक्ट नंबर 13, रॉबर्ट डाउने जो कि वर्तमान समय में अमेरिकन एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, इससे पहले यह 6 बार जेल जा चुके हैं क्योंकि इन्हें पहले नशे की काफी ज्यादा लत लग चुकी थी और 2001 में इनका करियर खत्म होने ही वाला था कि इन्होंने वापस से रिटर्न किया और नशे की आदत को छोड़कर एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जिनकी वजह से आज यह हॉलीवुड मूवीज में एक बड़े मेगा स्टार हैं। फैक्ट नंबर 12, 2019 में लंदन के एक अंडरग्राउंड प्लेस पर दो चूहों की फोटो ली गई जिसमें कि दोनों चूहे फाइट कर रहे थे और इसी फोटो की वजह से उस फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया था क्योंकि ये इमेज 2019 में खींची गई सबसे बेस्ट इमेज थी एनिमल किंगडम में। फैक्ट नंबर 11, साल 2011 में एक 75 वर्षीय महिला ने गलती से एक फाइबर ऑप्टिक केबल को काट दिया था जिसकी वजह से दो देशों का इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो गया था और इंटरनेट अचानक से कैसे बंद हो गया इसी को खोजने के लिए इंजीनियर्स को कई हफ्ते लग गए थे। फैक्ट नंबर 10, रोल्स रॉयस जो कि एक लग्जरी कार मेकर कंपनी है, इस कंपनी ने साल 2020 यानी कि लॉकडाउन के टाइम पर कार्स को बनाना बंद कर दिया था और उसकी जगह पर शहद बनाना शुरू कर दिया था जिसे दुनिया का सबसे अच्छा शहद माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, अब जरा इस फोटो को देखो, इसमें आईफोन के कवर पर सर अर्नोल्ड की फोटो है जो कि एक हॉलीवुड स्टार है और कवर पर भी सर अर्नोल्ड ही है यानी कि इन्होंने अपने आईफोन पर अपना ही कवर बनवाया हुआ है और आप देख सकते हो कि मोबाइल का कैमरा गन के होल के जैसा लग रहा है। फैक्ट नंबर 8, अब जरा इस स्टैचू को ध्यान से देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसके ऊपर ये सफेद कपड़ा ढक दिया गया हो मगर ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि इसे ऐसा पत्थर से ही बनाया गया है और इस स्टैचू के लिए 1 लाख तो बनता है। फैक्ट नंबर 7, ये जो रॉक अभी आप देख रहे हो इसे बिल्कुल मिडिल से परफेक्ट काटा गया है जैसे कि इसे लेजर से काटा गया हो पर इसे किसने काटा और क्यों काटा ये अभी भी राज बना हुआ है। फैक्ट नंबर 6, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कश्मीर की डल झील में भारत की सबसे पहली तैरने वाली सब्जी मंडी लगती है और यदि आप यहां से सब्जियों को खरीदने जाओगे तो इसके लिए आपको बोट से जाना पड़ेगा जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो। मींस दैट्स यूनिक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फैक्ट नंबर 5, आप में से 80% लोग ये बात जानते होंगे कि मिस्टर बीस्ट ही वो शक्ति है सॉरी मतलब कि व्यक्ति है जो यूट्यूब से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं पर आपको जानकर हैरानी होगी कि रसिया के पावेल रदेव यूट्यूब से एक साल में 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं और इनके अंडर में 100 से भी ज्यादा चैनल्स काम करते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस फोटो को देखो, इसे फोटोग्राफर ने इतने परफेक्ट टाइम पर खींचा है जब यह बर्ड अपने पंखों को पीछे की तरफ ला रही थी पर कैसे खींचा वो तो मुझे भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 3, यूके में साल 1928 में कुछ इस तरीके की कार्स को बनाया गया था जो कि अपने आप चलती थी, यहाँ तक कि इन्हें लोग गोस्ट कार भी कहने लगे थे पर इनकी रियलिटी ये थी कि इन कार में एक हिडन रूम बनाया गया था जिनमें कि ड्राइवर बैठकर कार को ड्राइव करता था यानी कि ये भूतिया कार नहीं थी। फैक्ट नंबर 2, अब जरा इस पेंटिंग को देखो, क्या आपको इस पेंटिंग में कुछ स्पेशल दिख रहा है? ऑफ कोर्स नहीं क्योंकि इस पेंटिंग में कुछ भी स्पेशल नहीं है पर आप जानकर चौंक जाओगे कि इस पेंटिंग की कीमत 468 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 1, आखिर पानी की बोतल्स के ऊपर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? क्या पानी भी एक्सपायर हो सकता है? तो दरअसल ये एक्सपायरी डेट पानी के लिए नहीं बल्कि बोतल्स के लिए लिखी होती है
और प्लास्टिक की बोतल में एक समय के बाद प्लास्टिक पानी में घुलना शुरू कर देता है, जिससे पानी का स्वाद खराब हो सकता है या फिर उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह किस लिए एक्सपायरी डेट इस बोतल पर लिखी जाती है। खैर दोस्तों, वीडियो के एंड होने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन आपको नोटिफिकेशन से नहीं देखना है, क्योंकि इससे क्लिक थ्रू रेट गिर जाती है। Oh, no!